गुड मॉर्निंग क्लास वन, हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए। बुक में पेज नंबर 84 खोल लीजिए। पेज नंबर 84 पे हमारा है जानकारी सफाई की। तो पेज नंबर 84 पे है हमारा जानकारी सफाई की। तो सफाई की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी सफाई की, कि सफाई की क्या क्या जानकारियाँ होती है। तो मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप भी इसे पढ़िएगा। सुबह हो चुकी थी, किन्सु सोकर उठा। वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। किन्सु नाम का एक लड़का है, सुबह सोकर उठा और स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। माँ रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। माँ जो थी रसोई घर में नाश्ता बना रही थी। किन्सु ने जोर से आवाज़ लगाई। किन्सु ने फिर उठा जल्दी से, सुबह जोर से आवाज़ लगाई, मम्मी मुझे नाश्ता दो, स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है। क्या आवाज़ लगाई? मम्मी मुझे नाश्ता दो, स्कूल के लिए देर हो रही है। माँ ने जल्दी से नाश्ता मेज पर किन्सु के आगे रख दिया। जैसे ही किन्सु नाश्ता करने बैठा, माँ ने किन्सु के आगे मेज पर नाश्ता रखा और किन्सु नाश्ता करने बैठ गया। किन्सु के पापा ने झट से पूछा, किन्सु बेटा क्या तुमने अपने दांत साफ किए? किन्सु शर्माते हुए बोला, नहीं पापा। जैसे नाश्ता करने के लिए किन्सु बैठा तो पापा ने आवाज़ दी, बेटा क्या तुमने ब्रश किया, दांत साफ किए? तो किन्सु सर झुका के शर्माते हुए बोला, नहीं पापा मैंने ब्रश नहीं किया। फिर किन्सु के पापा बोलते हैं, क्यों तुम्हें नहीं मालूम कि जो बच्चे दांत साफ नहीं करते उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, मुंह से गंदी बदबू आती है, दांतों में भी दर्द होता है। उनके पापा बता रहे हैं किन्सु को कि अगर तुम ब्रश नहीं करोगे तो तुम्हारे दांतों में कीड़े लग जाएंगे, मुंह से गंदी बदबू आती है और दांत भी दर्द करता है। अगर तुम ब्रश नहीं करोगे तो मुंह से गंदगी बदबू आएगी, दांत में कीड़े लग जाएंगे, दांत भी दर्द करता है, गालों में सूजन आ जाती है, गालें भी फूल जाती, सूजन आ जाती हैं। मैं इतना नहीं जानता था पापा। ये सब बातें सुनकर किन्सु ने उत्तर दिया, पापा मैं ये सब नहीं जानता था, मुझे सफाई के बारे में और बताइए ना पापा, मुझे सफाई के बारे में और बताइए। अच्छा, तो पापा बोले, अच्छा तो ध्यान से सुनो, सभी बच्चों को सुबह उठकर प्रतिदिन दांतों की सफाई करनी चाहिए। तब उसके पापा बोले, सभी बच्चों को, आप सभी बच्चों को सुबह उठकर सबसे पहले अपने दांतों की प्रतिदिन रोज सफाई करनी चाहिए, रात में सोने से पहले भी दांत साफ करने चाहिए, रात को सोने से पहले भी हमें अपने दांत को साफ रखना चाहिए। बिना हाथ धोए खाना खाने से कीटाणु हमारे भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, कीटाणु जो है भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते, बिना हाथ धोए खाना खाने से कीटाणु हमारे हाथ में लगे रहते हैं, वह भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, इससे हम बीमार हो जाते हैं, जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमें हाथ धोकर भोजन करना चाहिए। हमें प्रतिदिन स्नान भी करना चाहिए। स्नान करने से हमारे शरीर की गंदगी साफ होती है, त्वचा को कोई बीमारी नहीं लगती। अगर हम रोज़ नहाएंगे तो हमारा शरीर साफ रहेगा और हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। किन्सु ने चहकते हुए कहा, किन्सु खुश होते हुए कहा, और हमें अपने नाखून की भी सफाई रखनी चाहिए। किन्सु चहकते हुए इतना सुनने के बाद हंसते हुए बोला, और हमें अपने नाखून की भी सफाई करनी चाहिए। हाँ बेटा मुझे अपने नाखून दिखा। तब उसके पापा बोले, हाँ बेटा मुझे अपने नाखून दिखा। किन्सु ने दोनों हाथों के नाखून दिखाए। तब उसने अपने दोनों हाथों के नाखून पापा को दिखाए। नाखून उसके कटे हुए थे। पापा खुश होते हुए बोले, बहुत अच्छे शाबाश, तुम्हारे हाथ के नाखून कटे हुए हैं। नाखून हमेशा सात दिनों के अंदर काट लेना चाहिए। बड़े हुए नाखूनों में भर
गंदगी भर जाती है। अगर नाखून हमारे बड़े होंगे तो हमारे हाथ नाखून में गंदगी भर जाती है। यही गंदगी भी भोजन के साथ हमारे पेट में जाती है और गंदगी भोजन के साथ हमारे पेट में चली जाती है। इससे पेट की कई बीमारियां हो जाती है, इससे पेट में कई बीमारियां भी हो जाती है। इसे हमें इसलिए हमें अपने नाखून को काट लेना चाहिए। सफाई रखने से ही हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। अगर सफाई रखेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। किंसु को सफाई के बारे में ढेर सारी जानकारी मिल गई थी। किंसु को अपने पापा से सफाई के बारे में बहुत ढेर सारी ये जानकारी मिल गई थी। उसने अपने पापा से कहा कि वह आज से ही सफाई का पूरा ध्यान रखेगा। वह अपने पापा से कहा कि आज से मैं सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। किंसु बोला, पापा आज तो सफाई के बारे में समझते समझते मुझे बहुत देर हो गई। तब किंसु अपने पापा से बोला, पापा आज सफाई के बारे में समझते समझते पूरे बहुत देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, सफाई की पढ़ाई भी स्कूल की पढ़ाई से कम नहीं है। तब उसके पापा बोले, सफाई की पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई से कम नहीं है। चलो मैं कार से तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। चलो मैं तुम्हें अपने कार से स्कूल छोड़ देता हूँ। किंसु खुश हो जाता है, वह पापा के साथ स्कूल जाता है। किंसु यह सुनकर बहुत खुश होता है और अपने पापा के साथ स्कूल जाता है। तो ये हमारे प्रश्न कहानी थी जानकारी सफाई की। आपको सफाई की जानकारी मैंने पढ़ा दिया है, आप इस तरह से पढ़िएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।